सरकार तो कुछ दे नहीं रहा है ऐसे अगर एक बंदे को पांच किलो आटा देता है गेहूं देता है मान के चलो एक महीने में पांच किलो में पेट भर जाएगा एक महीने का आज कुर्सी में जो बैठा है वर्तमान उसको ये सोचना चाहिए पांच किलो गेहूं से एक बंदे का पेट भर जाए तो चलो मान लिए इस बात को अब वही लोग क्यों नहीं चला पाते हैं बताइए हमको वही लोग चला ले पाँच किलो गले में वो उन लोगों ने खाया है पांच किलो आटा एक महीने चलाए तीस दिन रोजगार चाहिए राशन तो राशन सर थोड़ी न पेट भरता है कल को बच्चों की शादी करेंगे और बच्चों की पढ़ाई कराइए तो उनकी नौकरियाँ भी लगवाएंगे तो सर राशन से क्या होगा और भी सर कम से कम कुछ नहीं किसी पर सर रोजगार मुहैया कराओ बहन बात तो है रोजगार आपने कहा है गांव में रोजगार देंगे तो आप गांव में दीजिए हमें और बढ़िया आप हजार रुपए हमें कम दीजिए हमें गांव मिल जाएगा अपने घर के तो घर में हम रहेंगे हम यहाँ क्यों 400 किलोमीटर रहेंगे पलायन करेंगे अपने गांव से न्यूज लॉन्ड्री की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है अभी हम हैं नोएडा में और ये नोएडा का लेबर चौक है यहाँ पे हमारी मुलाकात बरेली और उसके आसपास के जिले के कुछ नौजवानों से हुई जिसमें से कुछ लोग बीए और एमए भी किए हुए हैं आपका नाम क्या है भोला शंकर भोला शंकर जी आप कहाँ के रहने वाले हैं मैं बदायूं का रहने वाला हूँ बदायूं का हाँ जी और आप यहाँ लेबर चौक पे खड़े हैं क्या स्थिति है यहाँ की पहले ये बताइए लेबर चौक की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पे एक आदमी आता है चार लोग भागते हैं इतनी बुरी हालत है लोगों की और काम के लिए कहीं है ही नहीं काम लोगों का तो इसकी वजह से लोग बाग अपना गुजारा कर रहे हैं और क्या है सरकार में आके कुछ काम धंधा तो है नहीं बेरोजगारी वो ठप है वैकेंसी वो तो निकल ही नहीं रही जो निकल रही है वो इतनी उनमें सर्विस चार्ज उनका इतना कर दिया है कि लोग फॉर्म डालते हैं छ महीने में रिप्लाई आता है वो भी स्टेट का जो पेपर हुआ था उसका भी पेपर लीक हो गया था तो क्या होगा इस सरकार में जी जी आप आप के रहने वाले हैं बरेली बातचीत से पहले आप हमें बता रहे थे कि आज पिछले एक महीने में दस दिन काम मिल जाता है क्या मतलब क्या सिचुएशन है काम का काम चल ही नहीं रहा है यहाँ पे ठंडी की वजह से बहुत स्लो काम चल रहा है एक महीने में लगभग दस बारह दिन काम किया है अभी तक बस तो रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है अगर आपका आदमी पैदा करेगा तभी तो खाएगा सरकार किसी की भी हो इससे कोई मतलब नहीं है रोजगार सबके लिए मिलना चाहिए जब पैदा करेगा तभी खाएगा आदमी बच्चे भी पलेंगे उसी से चाहे नौकरी मिले या प्राइवेट काम मिले या फुटपाथ पे काम मिले कुछ भी हो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है जब कोरोना का समय चल रहा था लॉकडाउन था तो यूपी में लगभग तीस लाख से ज्यादा लोग वापस लौटे थे अपने घर तब सरकार ने कहा था कि हम लोगों को उनके घर पे ही रोजगार देंगे सरकार ने क्या इंतजाम किए थे कोई रोजगार नहीं था वो तो केवल अफ्बाए थी झूठी उन जो वो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं जो करते हैं वो कभी बोलते नहीं है ये बात है यहाँ से गए थे बोला था हम ये करेंगे वो करेंगे कुछ नहीं करेंगे क्या किया है अब तक कुछ नहीं किया है आपको यूपी की योगी सरकार ने क्या क्या इंतजाम दिया गाँव में कुछ भी इंतजाम नहीं दिया अगर हमें वहाँ पर इंतजाम होता तो यहाँ पर हम बड़के खाने आते अपने बच्चे लेके यहाँ पर पड़े हैं जाड़े वाले में तो यहाँ पर हम क्या करने आते हैं घर पे ही रोजगार मिल जाता तो कोई सुनवाई नहीं है हमारी इनका जैसे कहना है कि कोई भी इनकी सुनवाई नहीं है और जो सरकार ने दावे किए थे कि हम लोगों को सुविधाएं देंगे जो मजदूर लौटे हैं और उन्हें कोशिश करेंगे उनके घर के आस पास ही रोजगार मिले लेकिन यहाँ पे हमने जिनसे भी बात की उनका यही कहना है कि उनके साथ उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ उनको काम नहीं मिला जिसके कारण उन्हें वापस दोबारा लौट के आना पड़ा आप कुछ कहना चाह रहे थे सर मैं राजीव हूँ डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से जी। सर यहाँ पे तो करीब करीब ऐसे मान लो हम, मतलब हमेशा यही हाल रहता है जी। ऐसी बात नहीं है कि यह सरकार की लेबर चौक नजर में ना हो या किसी डीएम के या डीएसपी या कोई भी विधायक या किसी भी हर हर आदमी के नजर में है ये चौक और आज का नहीं कम से कम ये पचास साल पुराना पचास साल से ये लेबर चौक है यहाँ मौजूद किसी ने भी यहाँ पे एक पानी की टंकी नहीं लगवाई है पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा जो नॉर्मल है कोई मजदूर बीस रुपए की बोतल लेके तो पानी नहीं पिएगा गर्मियों में एक किसी ने पानी की टंकी नहीं लगवाई है ना किसी भी प्राधिकरण ने ना किसी सरकार ने ना किसी विधायक निधि से कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है आदमी आप देखिए अपने कपड़े जला कर भी सर्दियों से आदमी ताप रहा है यहाँ पे और उसकी बात अगर हम किसी हमारा ये हमारा कुछ समय पहले तीन साल पहले लेबर कार्ड बना था तो लॉकडाउन में सबके हजार रुपये आए किसी के पाँच आए किसी के पंद्रह आए किसी के कुछ आए लेकिन मैं करीबन करीबन दस बार जा चुका हूँ लेबर कोड यहीं पे सेक्टर तीन में है जी। मैं कितनी बार गया हूँ वहाँ पे ये कहते हैं कि भैया कोई पैसा नहीं आया है जाओ क्या कर लोगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ जाओ जिसके पास जाओ उसके पास जाना हो यही कह देते हैं टाल मटोल करके वो भेज देते हैं सर मेरा दो रुपया नहीं लाभ हुआ बिल्कुल करके तो एक चीज हमें बताएं कि ये जब आप वोट करने जाते हैं तो ये सब चीजें आपके ध्यान में रहती है सर ऐसा है ना सर हम तो यहाँ 400 किलोमीटर से सर मजदूरी करने आते हैं सोचते तो हर एक इंसान है कि मेरे यहाँ पर काम अच्छा हो हर चीज अच्छा हो लेकिन यहाँ पे किसी के लिए कुछ नहीं है पैसे वाले पैसे वाले हो रहे हैं गरीब आदमी गरीब हो रहा है आप लॉकडाउन में कहाँ थे मैं सर लॉकडाउन में अपने सर गांव चला गया था लॉकडाउन लगने वाला था उससे पहले सर एक दो दिन पहले मैं सर गांव चला गया था तो आप बस से ट्रेन से निकल गए थे आ, सर मैं बस से गया था लेकिन लास्ट जब पहला जो उसके बाद में सर बाईस तेईस किलोमीटर पैदल भी चला था सर हाँ तो सरकार ने आपको गाँव में क्या सुविधा दी थी सर गाँव में सर कुछ नहीं वही सर राशन मिल रहा है बाकी कोई सर सुविधा नहीं है राशन मिल रहा है सर बस तो एक चीज यूपी सरकार बार बार राशन को दिखा रहे हैं कि हम इतने करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं आपको लगता है कि राशन देने से आप लोगों को काफी फायदा हुआ सर काफी क्या फायदा हुआ सर रोजगार चाहिए राशन तो राशन सर थोड़ी पेट भरता है कल को बच्चों की शादी करेंगे और बच्चों की पढ़ाई कराइए तो उनकी नौकरियाँ भी लगवाएंगे तो सर राशन से क्या होगा और भी सर कम से कम कुछ नहीं किसी पर सर रोजगार मुहैया कराओ बहन बात तो है रोजगार आपने कहा है गांव में रोजगार देंगे तो आप गांव में दीजिए हमें और बढ़िया आप हजार रुपए हमें कम दीजिए हमें गांव मिल जाएगा अपने घर के तो घर में हम रहेंगे हम यहाँ क्यों चार सौ किलोमीटर रहेंगे पलायन करेंगे अपने गाँव से आपको लगता है कि रोजगार अभी एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में या जो भी अभी चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि रोजगार एक बड़ा मसला है लोगों को ध्यान में रखना चाहिए अब रखे सरकार रख सकती है तो बहुत कुछ हो सकता है और नहीं रखेगी तो फिर तो, तो मरना तो है ही जनता का तो यही है मरेगी जनता काम करेगी तो खा लेगी नहीं तो क्या खाएगी मरेगी सरकार तो कुछ दे नहीं रहा है ऐसे अगर एक बंदे को पाँच किलो आटा देता है गेहूँ देता है मान के चलो एक महीने में पाँच किलो में पेट भर जाएगा एक महीने का आप बार बार कुछ कह रहे हैं राशन को लेकर लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि उर, कुछ एक नंबर बता रहे कि इतने लोगों को हम पिछले इतने महीनों से रोज राशन दे रहे हैं और राशन पे प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है मुख्यमंत्री की तस्वीर होती है नमक होता है दाल चना होता है क्या ये ठीक नहीं है आप लाल राशन कार्ड वालों के लिए मिलता है वाह सफेद राशन कार्ड वालों के लिए नहीं मिलता ठीक है उसमें भी ये है कि जिस चिकन में दस बंदे हैं पचास किलो गला जैसे आया भी मैं चलो एक महीने चला लेगा बंदा पाँच किलो आटा गल्ला एक महीने चला लेगा आप बताइए उसके लिए राशन में क्या नहीं लगेगा तेल नहीं लगेगा सब्जी नहीं लगेगी नमक नहीं लगेगा क्या नहीं लगेगा आप भाई आप ये बताइए एक महीने चला लेगा एक बंदा पाँच किलो आटा बताइए चला लेगा नहीं चला पाएगा नहीं चलाएगा, नहीं चलाएगा ये इस बात को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ये चुनावी मुद्दे है आप आए बहुत अच्छी बात है आपने हम, हम लोग हम लो बात सुनी है मानते इस बात को आपके हम श्रोध हार है पर ऐसा नहीं होता कि आप चुनाव के टाइम पे हर जगह प्रतिक्रिया दिखाते हैं भैया गरीब लोगों को देखो गरीब तो साला मारा जाता है ये नेता अपनी तरफ खेचेगा वो नेता अपनी तरफ खेचेगा सब लोग अपनी खेचते हैं हमारी तुम्हारे सुनने वाला कोई नहीं है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता आपकी खबरें नहीं दिखाता इसका इलाज यह है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है हिंदी पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें